क्योंकि सावन का महीना है और पूजनीय भोलेनाथ भगवान के चरणों में इस मंच के द्वारा कोई गीत नहीं हुआ है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हो जाए। एक कीर्तन है, कीर्तन यानी फिल्मी धुन पर जो गीत होते हैं वो कीर्तन बोलते हैं माया। तो एक फिल्मी धुन वालों ने एक धुन भेजी थी कि आज की अब की मुलाकात नहीं बहुत सुंदर लाइन है और इस गीत में बहुत अच्छी बात बताने का प्रयास हुआ है। ये सब जानते हैं शंकर जी ने जहर पी विद्युत विभाग की समस्या है आ जाती है बीच में। चलिए एक फिल्मी धुन आई थी कि आज की अब की मुलाकात नहीं है। आज की अब की मुलाकात नहीं है तेरी या मेरी सोची बात नहीं, तेरी या मेरी सोची बात नहीं है। दिल तड़पाया तेरा मेरे लिए मेरा तेरे, और सुंदर लाइन आई है, रब ने बनाया मुझे तेरे लिए तुझे मेरे। हेलो बेटा, मेन माइक हेलो 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 सात से ऊपर रखो आवाज। हेलो हेलो, सभी लोग जानते हैं भगवान भोलेनाथ ने जहर का पान किया, लेकिन कैसे किया और जहर पीने के बाद क्या हुआ ये बताने का प्रयास शायद हुआ नहीं है, और हुआ हो तो हमें मालूम नहीं है किसी गीत में। लेकिन हमारे कभी महोदय हैं सम्मानी हीरा महाराज जी, उन्होंने बताया कि जहर नीचे कैसे नहीं गया और जहर बाहर क्यों नहीं आया। इस गीत में एक लाइन आई है, शिव ने अनेकों उपकार किए, शिव ने हलाहल पिया जग के लिए और हम सब के लिए। उपकार तो बहुत किए हैं, लेकिन एक ऐसा उपकार हुआ है जिसकी वजह से हम लोग आप जिंदा हैं बैठे हैं, और वो है जहर का पान। शिव ने हलाहल पिया जग के लिए हम सब के लिए। सभी लोग जानते हैं क्या, देवासुरों में हुआ एक चिंतन, सागर का मिलकर किया जाए मंथन। राक्षस और देवता सहमत हो गए, सागर का मिलकर, और ये 201 रुपया हमारे छोटे भैया पिंटू यादव खाकरौन, कहाँ है पिंटू, बैठे हैं, अरे वो इतनी आगे इतनी पीछे बैठे कि आदमी ढूंढ में पहुंचाने आ जा मिलो तो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना भैया पिंटू भाई।
सागर का मिलकर किया जाए मंथन, मिलकर असुर सुर सहमत हुए हम सबके लिए। ये घटना हो गई, समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला, सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से बांट लिए। कोई हाथी ले गया, कोई घोड़ा ले गया, कोई मणि ले गया, लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान ले गए, जहर को कोई लेना तैयार नहीं हुआ। तो सभी लोग एक बर्तन में भर के पहुंचे भगवान भोलेनाथ के पास। व्याकुल हुआ जब निकला हलाहल, त्रिभुवन में मचने लगा था कोलाहल, त्रिभुवन में मचने लगा था कोलाहल। पहुंचे भोलेनाथ के पास तो भोलेनाथ ने क्या किया, कामो निराला करुणा करने किए और करुणा करके किए, काम निराला करुणा करने किए करुणा करके। बात आई है कि जहर ऐसे कैसे पिया शंकर भगवान ने कि ना तो जहर नीचे गया और ना बाहर आया, जबकि जैसा हमारा आपका गला है ऐसी तो शंकर भगवान का है। हम अगर कोई चीज पिएंगे तो या तो नीचे जाएगी या बाहर आएगी, लेकिन बारे भोलेनाथ ऐसा जहर पिया कि ना तो नीचे गया पेट में और ना बाहर आया। जहर किस तकनीक से पिया भोलेनाथ ने, महत्वपूर्ण बात यह है। भगवान भोलेनाथ के इष्ट हैं भगवान राम, हमने कहा था कि इष्ट मजबूत होना चाहिए। अब भगवान ने ऐसे जहर पिया कि पहले बोले रा, फिर पिया जहर और फिर बोले माँ, तो नीचे रा ऊपर माँ बीच में जहर, फिर जहर की औकात नहीं हुई ना नीचे जाने की ना बाहर आने की। यह है राम नाम की महिमा और यह है इष्ट के प्रति श्रद्धा कि राम का नाम ध्यान करके भगवान भोलेनाथ ने पहले बोले रा, फिर पिया जहर, फिर बोले माँ। हम बोलते हैं रा तो मुंह खुल जाता है और फिर बोलते हैं माँ तो मुंह बंद हो जाता है, तो रा और माँ और जहर ऐसा मुंह बंद करे कि जहर की समझ में आ गई। आज भी जहर की समझ में आ गई, बाहर नहीं निकल पाए ना भीतर जा पाए। जब तकनीक है भोलेनाथ की, जिन लोगों ने अध्ययन किया होगा वे लोग जानते हैं। राम को मन मंदिर में बिठाकर अपने प्रभु को आधार बनाकर, अपने प्रभु को आधार बनाकर, ध्यान लगाकर तो घूंट पिए। जहर की समझ में आ गई। अब जहर पीने के बाद क्या हुआ जी, सुने आप। यहाँ जितने लोग बैठे हैं शायद 1% लोग होंगे जिनने पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, उन्हें मालूम होगा जहर पीने के बाद क्या हुआ, सुने। यही तो हमारी आदत है सबसे हटके गाने की। पिया जब जहर तो हुआ एक करिश्मा, अजन्मा के मुख से फिर वो मंत्र जन्म। भगवान भोलेनाथ को जैसे ही जहर का नशा हुआ, शंकर जी बड़बड़ा रहे हैं कुछ, जैसे नशे में नहीं बड़बड़ाते हैं लोग, भगवान जो चाहे बकते जा रहे हैं, मैया पार्वती बैठी हैं, जो भगवान के मुंह से शब्द निकल रहे हैं वो मैया जी लिखती जा रही है। जब भगवान होश में आए, मैया ने पूछा स्वामी क्या हो गया, क्या हो गया था। भगवान ने कहा हमें तो नहीं मालूम। बोले आप क्या बक रहे थे। बोले हमें नहीं मालूम। जब उन शब्दों को क्रम से लगाया गया तो शब्द बने फिर महामृत्युंजय का मंत्र, जिसने भगवान भोलेनाथ के खुद प्राणों की रक्षा की। ये जहर पीने के बाद ये करिश्मा हुआ, बहुत कम लोग जानते हैं। महामृत्युंजय का मंत्र कहाँ से आया, भगवान भोलेनाथ के मुख से, जो आज भी हमारे आपके प्राणों की रक्षा करते हैं। ये बड़ी विचित्र बातें हैं इतिहास की, हरि अनंत हरि कथा अनंता। पिया जब जहर तो हुआ एक करिश्मा, अजन्मा के मुख से फिर वो मंत्र जन्मा,
अजन्मा के मुख से फिर वो मंत्र जन्मा। तब से भोलेनाथ का एक नाम और हो गया, मृत्यु विजेता हीरा मृत्युंजय हुए। उसी दिन एक नाम और हो गया था, मौत को जीता है भगवान भोलेनाथ ने, तो महान नाम पड़ गया मृत्युंजय। मृत्यु विजेता हीरा मृत्युंजय हुए, हीरा मृत्युंजय हुए। पिया जग के लिए हम सबके लिए, शिव ने हलाहल पिया जग के लिए हम सबके लिए, शिव ने हलाहल पिया जग के लिए हम सबके लिए। एक बार नारद जी मिल गए मैया पार्वती के लाने, नारद जी मिले और ये 500 रुपया शमानी भैया जी, मनीष त्रिपाठी जी, आपकी ओर से भोलेनाथ के चरणों में इन ऐलानों पे 500 रुपये की मुद्राई है, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नारद जी मिल गए मैया के लाने पार्वती जी के लाने, अब नारद जी जी को मिल जाए तो सबसे पहली बात है कि वो घर में लड़ाई होने होने है। नारद जी के अगर मिल गए तो पक्की मानो के घर में लड़ाई होने, और घर में लड़ाई होने तो उद्धार भी होने। तो पार्वती जी को मिल गए, नारद जी बोले काहे मैया, ये शंकर जी इतने सामान के जो लपेड़े भरत, इनके बारे में नहीं बताई तुम्हें कहूँ आज तक? बोले नहीं, बस बोले यही तो बात है उनके मन में, यही तो पक्षपात करत। अब भर दो, शंकर जी से पार्वती जी गुस्सा में आ गए, बोले तुम बहुत बेईमान हो। शंकर जी बोले हमने क्या करे, बोले तुमने कई बातें छुपा रही हमसे, बताऊते ही नहीं है। शंकर जी बोले तुमने पूछी नहीं हुई है, पूछी होती तो बता देते। अरे बोले वाह, आज तक तुमने कहूँ बताऊ तो नहीं, तुम बहुत बेईमानी करत, बहुत कपट को प्यार करत तुम हमसे, वैसे तो बहुत करत के आई लव यू, अब जे चीजन के बारे में छुपा जात पूरी बात बताऊ तो नहीं है। शंकर जी बोले पनवेश्वरी बताओ तो का छुपाई हमने। अब पार्वती जी बोले का बोले जो शंकर जी नारद जी से कहा गए, धुनाई थी तुम फिर तो मस्त हवाओं के झिलमिल सितारों का आगन। पार्वती जी बोली सुनो स्वामी, भाल पे क्यों धारा चंदा, कहूं बताई है जा तुमने तो चंदमा का हो धरे मूड़ पे, कहूं बताई है कि भाल पे क्यों धारा चंदा, क्यों शीश पे धारी गंगा है, ओ सारे तन में भस्म रमी, क्यों हृदय के पास भुजंगा है। जो मंगलसूत्र पहरे फिर रहे, आज तक बताई तुमने कहोगे जो काय लटकाए फिर काय खोजे गंगा जी बैठा रहे मूड़ पे, बहुत बेईमान हो तुम। शंकर जी ने बोले तुमने पूछी नहीं, आज पूछ रहे तुम बता दे। बोली पार्वती भी, भाल पे क्यों धारा चंदा, क्यों शीश पे धारी गंगा है, सारे तन में भस्म रमी, क्यों हृदय के पास भुजंगा है, काहे को स्वामी ऐसा कारण किया है, काहे को स्वामी ऐसा कारण किया है, कारण है क्या जो इनको धारण, कारण है क्या जो इनको धारण, स्वभाव वही चले आ रहो मैया पार्वती को स्वभाव वही है, तो आज भी अपने घर में है उनको भी स्वभाव जरूरत को की नहीं माने। अगर को मोहन लापा उसको कह देवे कि भाई साहब वही घंटा घर पे तो जात महीना से काय खो जाता, समझ में नहीं आओ, जब देखो जो घंटे घर पे ठाण जाते, अब ऐसी तैसी घंटा घर की, अब पेड़ो घर में पहले जो बताओ तुम घंटा घर पे जात काय हो, अब मर जाओ बाप की कसम कर करके, नहीं तुम तो जो बताओ तुम जात काय, अपनी नहीं मानीजिए
और जो कान भरगाऊ की मानी जे हमें खबर मिली कि तुम जब देखो जब वही ठाड़े हमने अब जाने समझ में नहीं आया स्वभाव आज भी चले आ रहा जो शंकर जी बोले पनवेशी शांत हो जाओ हम सब बताए दे रहे। शंकर जी बोले सुनो देवी गंगा जी धाड़ काय कर के हरि के पग से निकली है हरि के पग से निकली है जे उनका ध्यान कराती है ज्ञान रूपी गंगा है जो शीश पे शोभा पाती है। देवी गंगा ने कितनों का तारण किया है गंगा ने कितनों का तारण किया है कारण यही है इनको धारण कारण यही है इनको धारण कारण यही है इनको धारण किया है कारण यही है इनको धारण किया है। और चंद्रमा धारण काय करें सुन लो क्या लाइन दी है हमारे सम्मानी भैया जी बहुत अच्छे जवाबी कीर्तन के कलाकार अजय विजय पुरई निवासी हैं बहुत अच्छा गाते हैं बहुत मीठा बहुत लाजवाब सुनना कभी यूट्यूब पर अजय विजय बहुत बढ़िया जवाबी कीर्तन के कलाकार हैं उनके द्वारा ऐलान आई है। देवी चंद्रमा धारण क्यों किया है कि तीजे नयन की ज्वाला से कि तीजे नयन की ज्वाला से मस्तक मेरा तप जाता है चंद्रमा ये शीतल है ठंडक सर को पहुंचाता है। देवी नयन की ज्वाला का निवारण किया है कारण यही है इनको धारण किया कारण यही है इनको पूरी धरती में नहीं है तीनों लोक में नहीं है कितों नहीं है देवों में देव महादेव है सब जहर नहीं पी सकत जब जहर पिए है तब तो महादेव है सब काम विचित्र है सब संसार में सब देवताओं से हटके हैं एक अक्षर आओ अपन पढ़वे जा त्रा 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 त्रिशूल को अक्षर पर तो कब्जा करके रहेगा शंकर जी त्रिपुंडधारी त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी त्रिपुरारी त्रितापहारी त्रसरारी त्रिलोक इतना त्रिशूल तो ऐसो कब्जा करे कि कोनो देवता के आगे जो नामे नहीं जुड़े जितनी जिंदगी रही बहुत विचित्र ब्याह भाव से बहुत विचित्र शंकर जी को ब्याह भाव शंकर जी जैसे देवता अगर डांस की बात आ जाए शंकर जी से अच्छा डांस